आइए आपका स्वागत है इस पार्ट टोर्स में। आज हम लोग नेक्स्ट नए 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जो कि बोटनी का आज मैं पार्ट 3 बनाया हूँ, जो 10 एमसीक्यूज पे आज हम लोग जो बात करेंगे डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो आज बोटनी पार्ट 3 है, आज उसका पहला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड आपको ये बताना है क्या कि फोटोसिंथेसिस का जो ये काम होता है वो क्लोरोफिल एंड सनलाइट, जब तक क्लोरोफिल को सनलाइट नहीं मिलेगा वो काम नहीं कर पाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। अब ये आप देखिए कि फोटोसिंथेसिस पे कितना बार घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, तो आपको ये फोटोसिंथेसिस वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से करना है, अच्छे से याद रखना है। द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये पहला वाला। इसका जो क्लोरोफिल का काम है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो किसी भी तरीके से घुमा घुमा कर पूछ सकता है, आप इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर ये फोटोसिंथेसिस पे आ गया, ये एक्चुअली आरआरबी का प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सभी मैंने आज डाला है, ये खासकर है। तो आपको ये बताना है कि विच फॉलोइंग गैस विच इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन सा गैस एब्जॉर्ब होता है। ये CO2 होता है, CO2 एब्जॉर्ब होता है और O2 रिलीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कंपाउंड विच इज फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम ये पूछ रहा है क्या कि फर्स्ट कंपाउंड कौन सा है, वो हमारा ग्लूकोज होता है। फर्स्ट कंपाउंड जो फिक्स्ड किया जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो है ग्लूकोज। ये देखिए आप फोटोसिंथेसिस को कैसे कैसे घुमाकर पूछा जा रहा है, ये सारा आरआरबी का प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है कि देखिए फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे वो लोग बार बार पूछ रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ है, फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसेंशियल। हाँ, अब ये पूछ रहा है प्लांट के ग्रोथ में कौन सा एसेंशियल नहीं है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, सोडियम नहीं है, सोडियम हार्मफुल हो जाता है अगर ये ज्यादा रहे तो, ये ग्रोथ के लिए इसका कोई मतलब जरूरत नहीं है, कैल्शियम फास्फोरस नाइट्रोजन का जरूरत होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि सिक्स्थ है, फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट। अब ये जो है फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट किस चीज को अफेक्ट करता है, फ्लावरिंग को करता है। फोटोपीरियोडिज्म डे एंड नाइट का लेंथ को लेकर ये होता है, डे नाइट का लेंथ चेंज जब होता है उसको फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट करता है, जिससे फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो सेवेंथ क्वेश्चन है, सेल्यूलोजिक वॉल इज फाउंड इन द। हाँ, अब ये बताना है सेल्यूलोजिक वॉल, सेल वॉल तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ प्लांट में ही है और किसी में नहीं है, प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है सेल वॉल। ये मैंने सेल वाला जो डिस्कस किया था उस पर मैंने इसका प्रैक्टिस करवा दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट लीफ अपीयर्स टू बी ग्रीन बिकॉज। हाँ, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको बताना है प्लांट लीफ अपीयर्स ग्रीन, वो ग्रीन क्यों दिखता है। इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर है, रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, वो जो होता है जो सनलाइट जब लीफ पे जाती है तो क्या होता है क्या कि सारा वो जो लाइट है विबजियोर जो पूरा जो सनलाइट में होता है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करके ग्रीन को सिर्फ वो रिफ्लेक्ट करता है, इसके कारण वो लीफ हमको ग्रीन दिखता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये मतलब फिजिक्स का लाइट से भी रिलेटेड है, आपके बायो से भी रिलेटेड है, ट्रिकी भी है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि नाइन्थ है। नाइन्थ में जो क्वेश्चन है हाइड्रोफोनिक इज ए मेथड ऑफ कल्चर ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग। हाँ, हाइड्रोफोनिक से मतलब आपको पहले ये समझ जाना चाहिए, हाइड्रो मतलब वाटर, तो जो कि पानी में रखकर प्लांट का को बढ़ाया जाता है या उसका हाइड्रोफोनिक मेथड ऑफ कल्चर जिसमें होता है, तो उसमें आपको वाटर का जरूरत है, लाइट का जरूरत है, सैंड का जरूरत है, सॉइल का जरूरत नहीं होता। हाइड्रोफोनिक जो प्रोसेस है उसमें बिना विदाउट सॉइल प्लांट का कल्टीवेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोफोनिक जो टर्म है वो आपको ध्यान रखना है, उसमें सॉइल की कोई जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टेंथ है, नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव इन प्लांट। जो लीव्स पे टाइनी पोर्स होते हैं छोटे 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 छोटे, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टोमाटा बोलते हैं, टाइनी पोर्स को स्टोमाटा बोलते हैं। तो
इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई में पूछा जाएगा। और जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या कि आपके लिए मैं हर तरह का हर टॉपिक को आपके लिए करवाऊं, मैं प्रीवियसली आज क्वेश्चन को देखता हूँ उसके रिलेटेड मैं आपसे आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ, प्रिपरेशन कराता हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन डालता हूँ। इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपना फॉर्म 31st से पहले फॉर्म फिल कर दीजिए, 31st जनवरी लास्ट डेट है, तो काइंडली जो नहीं भरे हैं वो भर दीजिए। थैंक यू।